भारत के जीडीपी में गिरावट के बाद मोदी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। जीडीपी में गिरावट के पीछे बड़ी वजह नोटबंदी व जीएसटी को बताया जा रहा है। अब विपक्ष मोदी सरकार से पूछ रही है कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी थी। अब मनमोहन सिंह की वो बात सही साबित हो रही है। दरअसल नोटबंदी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि नोटबंदी की वजह से भारत की जीडीपी में 2% तक की गिरावट आएगी। नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर महज 5.7% है, जबकि पिछले साल इसी माह में 7.2% ग्रोथ रेट था। ऐसे में पिछले साल से अगर तुलना की जाए तो लगभग 2% तक विकास दर में गिरावट जरूर हुई है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद एक अर्थशास्त्री हैं। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। हालांकि नोटबंदी के बाद जब पूर्व पीएम ने सरकार को ये चेतावनी दी थी तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस वक्त कहा था कि नोटबंदी का फायदा अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में होगा, अभी किसी भी अर्थशास्त्री का आकलन सही नहीं होगा। वहीं चारों ओर से हो रही किरकिरी के बाद सरकार इसे लेकर अलग फायदा गिना रही है। सरकार का कहना है कि नोटबंदी की वजह भारत में कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ा है, हमें काले धन के खुलासे में कामयाबी मिली है, टैक्स देने वालों की भी संख्या बढ़ी है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।